फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धोती शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसके लिए यहाँ मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हमें इसे लेंथ में फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, लेंथ में मैंने फोल्ड कर लिया है। और यहाँ से ये जो कॉर्नर है इसको हम उठाएंगे और इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छी तरह से कॉर्नर को मिला दिया है। अब हम अपनी शलवार की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मेरी मोहरी मुझे रेडी 4.5 इंच लगनी है, तो मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है। और यहाँ से हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ यहाँ मैं 27.5 इंच ले रही हूँ। आपकी जो लेंथ हो उसमें से बेल्ट का माइनस करके आप लेंथ का निशान लगा लें। और इस मार्क पर से हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इतनी कटिंग मेरी हो चुकी है। हम अपने आसन का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हमें नीचे की तरफ यहाँ मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ और 6 इंच मुझे बेल्ट में से मिल जाएगा। तो टोटल मुझे 14 इंच आसन रेडी रखना है। और यहाँ से मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है। और यहाँ से हम अपने आसन की गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए, मैंने आसन की गोलाई दे दी है। अब नीचे से हम मोहरी का मार्क नापेंगे कि कितनी दूरी पर है। तो ये लगभग 7.5 इंच की दूरी पर है। तो दूसरी साइड में यहाँ पे 6.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इस तरह से इसे मिला देंगे। इसको आपको सीधा नहीं मिलाना है। ये देखिए, इस तरह से नहीं मिलाना है, ये गलत आएगा। लगभग दूसरी साइड से आपको 1.5 से 2 इंच की दूरी पर कम पर निशान लगाएं और इस तरह से इसे कट कर दें। और ये देखिए, यहाँ से आसन की जो गोलाई हमने दी है वहाँ से भी मार्किंग पर से कटिंग कर दे रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इतनी कटिंग हमारी हो चुकी है। और ये साइड में हमारा कॉर्नर आ रहा है, इसको भी हम कट कर देंगे। लगभग 1 से 1.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको भी यहाँ से कट कर देंगे इस कॉर्नर को। तो ये देखिए, ये कॉर्नर मेरे सिंपली कट कर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। दोनों पीस के मैंने कॉर्नर कट कर दिए हैं। और देखिए, मोहरी भी मैं ओपन कर दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल सीधी मोहरी मेरी कट कर रेडी हुई है। अगर आप बराबर पे निशान लगाते तब कटिंग करते तो मोहरी सीधी कट कर नहीं आती। और यहाँ पर ये बेल्ट मैंने कट की है और इसमें मेरा थोड़ा जोड़ आ रहा है, तो ये थोड़ा फैब्रिक कम था मेरा। आप 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ करें। और यहाँ पर मैं चौड़ाई आपको दिखा दे रही हूँ, 8.25 इंच है, क्योंकि मुझे रेडी 6 इंच रखनी है। तो थोड़ा मेरा नेफे में चला जाएगा, तो ये कम्प्लीट 6 इंच की बेल्ट मेरी रेडी होकर आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने बेल्ट तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं। सिंपली जैसे और सलवार में हम बेल्ट तैयार करते हैं, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा। और यहाँ से मैं इलास्टिक डालूंगी। तो मैंने थोड़ी सी सिलाई इसमें छोड़ दी है। अगर आप नेफा बनाएं तो आप इसका नेफा बनाते हुए चलें, पहले से ही नेफे का ओपन हिस्सा जो होता है। और यहाँ से इस तरह से हम कॉर्नर को इस तरह से कुटका लगा लेंगे। देखिए, फ्रंट साइड की सिलाई से बैक साइड में को कुटका लगा लिया है मैंने। और इन दोनों को मिलाते हुए साइड में भी हम छोटे छोटे कुटके लगा लेंगे, इधर साइड में भी। और देखिए, इधर साइड में भी, दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में कुटके लगाए हैं और फ्रंट और बैक में भी लगाए हैं। तो टोटल इस पे 4 कुटके मैंने लगाए हैं। अब देखिए, ये हमारी आसन की गोलाई है और ये हमारी मोरी है। और ये साइड वाला जो हमने कॉर्नर कट किया था, ये वो पीस है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे दोनों पीस में। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। ये पीछे से कुछ इस तरह से शेप आया है इसका, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सीधी सिलाई आपको लगानी है। ये देखिए, दूसरी साइड भी मैं दिखा दे रही हूँ, दूसरे पोंचे में। ये देखिए, इस तरह से सीधी सिलाई लगाई है और ये कुछ इस तरह से लुक बनकर आया है। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए, ये हमारी मोहरी है और ये हमारा कॉर्नर है। और इधर की साइड हमारा आसन है और इधर की साइड हमारा दूसरा आसन है। तो इसको इस तरह से हम फैलाएंगे, ये देखिए। और दूसरे पीस को भी इस तरह से फैलाएंगे। और दोनों का उल्टा भाग हमें अंदर की तरफ रखना है और सीधा भाग हमारा ऊपर, नहीं सॉरी, सीधा भाग अंदर की तरफ रखना है, उल्टा भाग आपको ऊपर रखना है। और इस तरह से निशान लगा देना है आसन की सिलाई का। और दूसरी साइड भी देखिए, सीधा भाग अंदर की तरफ रखते हुए सीधी आसन की सिलाई का सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने आसन की सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड भी मैंने सीधी सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। आसन में गोलाई का शेप देते हुए जिस तरह से आसन हमारा कटा हुआ है, उसी तरह आपको सिलाई लगानी है 1/2 इंच की दूरी पर।
तो ये देखिए दोनों सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और जहाँ से आपका गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ आप छोटे छोटे कुटके लगा दें ताकि आपकी ये आसन का खिंचाव ना हो। और ये देखिए मैंने दूसरी साइड में भी गोलाई में इस तरह से छोटे छोटे कुटके लगा दिए हैं। और ये देखिए अब हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा आसन है, देखिए आसन की गोलाई की मैंने सिलाई लगाई है, सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। ये दूसरे आसन की गोलाई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको आसन को आसन से मिलाएंगे, ये देखिए। और ये साइड वाला कॉर्नर है हमारा, तो यहाँ से हमें प्लेट्स अटैच करनी है। प्लेट्स का आप ध्यान रखें फ्रेंड, जब हम सिंपली शलवार में प्लेट्स डालते हैं तो प्लेट्स का जो मुंह होता है वो हमारा अपनी मियानी की तरफ रहता है, जिसे हम रुमाली भी कहते हैं। और इधर हमें दूसरी साइड अपनी प्लेट्स का मुंह रखना है। ये देखिए साइड में को प्लेट्स का मुंह देता हुई चल रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं किस तरह से प्लेट्स में डाल रही हूँ। प्लेट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है और सारी प्लेट्स आपको इक्वली साइज में डालनी है, छोटी बड़ी नहीं डालनी है। ये देखिए इस तरह से डालनी है आपको। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे आसन की सिलाई आ रही है और मैं किस तरफ से चुन डालती भी चल रही हूँ। तो इतनी मैंने चुन कंप्लीट कर ली है, ये हमारे आसन की सिलाई है। और इधर की साइड चुन हमारी डलती भी चली है। तो अब दूसरी साइड का आप ध्यान से देखें, दूसरी साइड भी आपको सेम मेथड से चुन डालनी है अपनी प्लेट्स जो है। तो ये देखिए फ्रेंड दूसरी साइड जो हम प्लेट्स डालेंगे तो इन प्लेट्स का जो मुंह है वो आमने सामने रहना चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये इधर की तरफ मुड़कर आ रही हैं और ये इधर की तरफ, तो आमने सामने जो है इनके मुंह हैं। आप इस प्लेट्स को बहुत ध्यान से देखें, प्लेट्स में बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें। ये देखिए इस तरह से प्लेट्स आपकी आएंगी। तो इतनी प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये कुछ इस तरह से बनकर आएगा, आप देख सकते हैं लुक। ये हमारा साइड में को आएगा, तो ये हमारे दोनों आसन हैं, ये देखिए इधर और इधर। तो दूसरी साइड भी फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड इस तरह से आएगा मेरा, आप देख सकते हैं। अब दूसरी साइड भी हमें सेम मेथड से प्लेट्स डालनी है, जैसा हमने उधर वाले पॉइंट में डाली है, दूसरी साइड भी हमें दूसरे पार्ट में भी सेम मेथड से देखिए इस तरह से डालनी है। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, तो पूरे में मैं आपको प्लेट्स डाल के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरे में ही प्लेट्स डाल दी हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए। और पीछे देखिए दोनों साइड में मेरी डल चुकी हैं और दोनों का आप प्लेट्स का मुंह देख सकते हैं, एक इधर की साइड में है। अब फ्रेंड्स सिंपली हमें इसमें बेल्ट अटैच कर लेनी है। प्लेट्स आपको इस तरह डालनी है कि हमारी बेल्ट जो है बेल्ट के बराबर आना चाहिए इसका घेर, और फिर हमें इसमें ज्वाइंट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने बेल्ट इसमें ज्वाइंट कर ली है, आप देख सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से लुक बनकर आ रहा है हमारी शलवार का। अभी हमें नेम मोहरी बनानी है इसकी। तो ये देखिए फ्रेंड मोहरी हमें किस लिए बनानी है, मैं यहाँ पर पट्टी लगा रही हूँ मोहरी में, मुझे यहाँ पर पोंछा नहीं बनाना है। तो ये मेरे कस्टमर की शलवार है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पोंछा नहीं बनाना है, मैं इसमें पाइपिंग लगा दूँ सिंपली, तो मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। आप इसमें मोहरी भी बना सकते हैं और लगा के ये मुझे फ्रंट में पलट देनी है, मुझे बैक साइड से लगानी है और फ्रंट साइड में को पलटनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये सिंपल मेथड है, तो मैंने ये इस तरह से लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको उल्टा करेंगे। ये देखिए, और फिर यहां से हम अपनी सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से एक सीधी सिलाई हमें यहाँ लगा देनी है और ये हमारी शलवार ये सिलाई लगने के बाद में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी शलवार बनकर रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बनके आई है, फाइनल रिजल्ट आप इसका पहले ही देख चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं ऐसी ही सिलाई से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।